भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो हिंदू हैं ही नहीं, उनमें ब्लड तो इटली का है इसलिए वो इटली की भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोलते हैं। दरअसल वो हाल ही में राहुल गांधी द्वारा राम मंदिर उद्घाटन पर दिए गए बयान का जवाब दे रहे थे, वही मंच से अपने उस ऑडियो का जिक्र किया जिसमें वो किसी अधिकारी को धमकाते हुए सुने जा रहे हैं, उस पर बोलना शुरू किया कि हाँ मैंने ही धमकाया, लेकिन कम धमकाया, अगर सही से काम नहीं करेंगे और कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूते से भी पिटवाऊंगा। संगीत सोम ने मंच से क्षत्रिय समाज के लोगों से कहा कि कमजोरी की बातें मत करिए, हमने तो देश को अखंड भारत बनाने के लिए अपनी जमीन और किले तक दान कर दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चंद गुंडों या चंद लोग इस देश को बांटने की जरूरत करेगा तो उसे करने नहीं देंगे। दरअसल संगीत सोम आज मुरादाबाद के मुंडा पांडे इलाके में आयोजित क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने हर जगह जवाब देने का काम किया। हमारे लगों में जो खून है, हमारी लगों में जो खून है वो खून इसी बात का है साहब, हमारा खून यही कहता है कि हम उस वर्ग में पैदा हुए। मैं थोड़ी बात को पीछे ले जाऊंगा, जब अपनी बात बढ़ाऊंगा, अभी मेरे भाई रामवीर सिंह जी ने कहा कि समाज में एक आपको अपील करनी है, वो अपील ही कही जाती है कि शराब नशे से दूर रहे, शराब नशे से दूर रहे। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, समाज के बीच में बैठा हूं और समाज के बीच में अपनी बात कर रहा हूं, मैं समाज के मंच पे बैठे हुए लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि समाज, मैं कभी मैंने आज तक पान भी खाकर नहीं देखा कैसा होता है, नशे की बात तो दूर है, लेकिन समाज में अगर कोई बुराई है तो उसे मंच से करना बंद कर दीजिए। समाज की बुराई मंच से करना बंद कर दीजिए। शराब सब पीते हैं, शराब सब पीते हैं, लेकिन बदनाम आप होते हैं क्योंकि आपकी चर्चा मंचों से होती है, आपकी चर्चा मंचों से होती है, लेकिन बदनाम आप होते हैं क्योंकि आपकी अच्छाई नहीं बताई जा सकती। आपकी अच्छाई कौन नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा कि जब पड़ोस के गांव में गरीब की बेटी की शादी नहीं होगी तो आप लोग इकट्ठा होकर करेंगे, ये कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा जब बॉर्डर पे देश पे आप बताएगी तो ये समाज इकट्ठा होकर जाता है, इस समाज का युवा जाता है और वहां लड़ाई लड़ने का काम करता है, ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि जब एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता तो ये समाज इकट्ठा होकर उसके चूल्हा जलाने का काम करता है, ये कोई नहीं बताएगा। आपको कोई नहीं बताएगा ये बात कि जब मुगलों का आतंक था, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी भी खाई, और एक किस्सा आपने भी सुना होगा कि जब घास की रोटी वो महाराणा प्रताप की पत्नी ने बना के दी और उस रोटी को उनकी बेटी की छोटी बेटी के हाथ से अगर एक बिलोटा उठा के ले गया तो महाराणा प्रताप ने कहा कि बेटी मेरी घास की रोटी भी तुम खा लो, और जब उस बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी मुझे तो घर में रहना है, मुझे तो जंगल में रहना है, माँ की गोद में सोना है, आपको जाके युद्ध लड़ना है, ये रोटी आपको खाइए, आप खाइए, तो कोई नहीं बताएगा दोस्तों। कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा कि जब मुगलों का आतंक था तो हमारी 16-16 हजार माओ ने एक साथ अगर हमने जाके जोहर करने का हमारी माओ ने काम किया तो ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों। क्यों नहीं बताएगा कि समाज से अगर तुम के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। आज आपने मन से आभार किया है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप, मन से आपने एक छठे समाज के लिए आह्वान किया है, खासकर नशा मुक्ति के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मैंने बिल्कुल कहा है कि युवाओं में अगर नशे की कोई लत है तो वो दूर होनी चाहिए, युवाओं को पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, और युवाओं को नशे की लत से दूर रहना चाहिए। दहेज प्रथा समाज में बहुत बड़ी कुरीति है, वो दूर होनी चाहिए। बच्चों को केवल पढ़ने का काम करना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने हमेशा कहा है कि जिन्होंने दहेज लिया मैंने उसे बर्बाद होते देखा, कभी आबाद होते नहीं देखा। राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा कि ये देखिए राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो हिंदू है नहीं, उनमें ब्लड अगर कोई है तो वो इटली का है और वो इटली की भाषा बोलते हैं, वो हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोलते।